अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। कैसी कैसी दुनिया, कैसे कैसे लोग। आज सुबह एक नवजात को कोई मरने के लिए नाले में फेंक गया। जिंदगी बाकी थी तो हैदर नामक युवक ने देख लिया और उसे नाले से बाहर भी निकाल लिया, साथ ही पुलिस को भी सूचित कर दिया। बच्चे की जान बचाने के लिए हापुड़ रोड स्थित सिटी हॉस्पिटल में उसे भर्ती करा दिया गया है। यहाँ एक और सज्जन इकरामुद्दीन बच्चे को इसलिए गोद लेने के लिए तैयार हो गए और घोषणा भी कर दी क्योंकि उनके परिवार में सिर्फ 5 लड़कियां ही हैं। ऑपरेशन में आने वाला खर्च भी इकरामुद्दीन ही व्यय करेगा। आगे क्या होगा कोई नहीं जानता। हाँ, बच्चे का इलाज जारी है। नाले में फेंके गए बच्चे को बचाने वाले हैदर अली ने यह जानकारी दी। सुबह मामला यह, मैं काम पे जा रहा था तो हमारे बच्चे की दुकान है कबाड़ी की, तो बच्चे ने देखा, वो बच्चे को निकलवा नाले में से, फिर मैं हॉस्पिटल ले गया, सिटी हॉस्पिटल। बच्चा कितना बड़ा बच्चा है और कौन बच्चा है? तुरत का बच्चा, एक दो, हाँ एक हाथ का बच्चा। तुरत का बच्चा किस जगह पर पड़ा था? नाले में, नाले पे निसार बिरयानी वाले के सामने, नाले में नीचे कमिला रोड। अच्छा, फिर आगे क्या करा? पुलिस को सूचना दी? हाँ, पुलिस को सूचना दी मैंने, खुद गया मैं चौकी में। अच्छा, फिर उसके बाद? उसके बाद हॉस्पिटल में एडमिट करा। कौन सा हॉस्पिटल? ये सिटी हॉस्पिटल। अच्छा, तो इसमें अब इस बच्चे की परवरिश के बारे में क्या सोचा? इसके परवरिश के बारे में सोचा इकराम भाई को देना, इसलिए इसे बोला आपने। सारे आ रहे हैं मगर हमारा इकराम भाई को देना। हाँ, बच्चे की तबीयत कैसी है? बच्चे की तबीयत सही है, लेटरिंग के रास्ते में ऑपरेशन होगा, तकलीफ है इसमें। अच्छा, तो उपचार कौन कराएगा? इसका उपचार जो चल रहा है, इसका उपचार इकराम भाई कराएंगे। वहीं बच्चे को गोद लेने की घोषणा करने वाले इकरामुद्दीन का यह कहना है। क्या नाम है आपका? इकरामुद्दीन। अच्छा इकराम भाई, ये जो बच्चे का मामला हुआ, इसमें आप क्या करना चाह रहे हैं? इसे मैं गोद लेना चाह रहा हूँ, बच्चे को गोद लेना चाह रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, ये अज्ञात बच्चा है, आगे इसका कोई परिजन वारिस आ गया तो फिर क्या होगा इसका? पूरी जिम्मेदारी के साथ लूँगा। तो इसमें किन लोगों के सामने आप बच्चे की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार? 5-7 जने हैं, उनके साथ जिम्मेदारी ले रहा हूँ। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? फतल्लापुरा नंबर 9 नंबर। पूरा नाम क्या आपका? इकरामुद्दीन। इकरामुद्दीन, आपके वाले साहब का नाम? इकबाल। अच्छा, तो क्या काम करते हैं आप? कबाड़े का। तो इसके बच्चे में जो इलाज होगा, इसका ट्रीटमेंट में जो खर्चा आएगा वो कौन उठाएगा? मैं उठाऊंगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।